से महान पातकी, पुत्र के व्याध में भगवान नाम का आश्रय लिया, बेटा नारायण बचाओ। तो नारायण बेटा तो नहीं आया, भगवान के पार्षद आ गए, यमदूतों को भगा दिया महाराज। और वहीं पर नाम की महिमा स्वयं यमराज ने अपने यमदूतों को बताया कि देखो खबरदार, जिसने भूल में भी कभी, संकेत में भी कभी भगवान नाम का आश्रय लिया हो उसके पास नहीं जाना, जाना तो उन लोगों के पास में जिसने कभी जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम दे। उन ऐसे निकम्मे लोगों को पकड़ पकड़ करके लेकर के आना, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अति दीन दुखी का वाल्मीकि, अति दीन दुखी का, बुरे करने में सदा लीन था, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, हे गुरुदेव तुम्हारी जय हो, हे सतगुरु सद्गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, सद्गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया, उसी यज्ञ में देवराज इंद्र ने विश्वरूप जी को अग्नि कुंड में स्वाहा कर दिया, ब्रह्महत्या का दोष लगा, चार भागों में विभाजित किया। पहला भाग पृथ्वी को दिया, बंजर भूमि ब्रह्महत्या का दोष है। दूसरा भाग जल को दिया, जल में झाग, ये ब्रह्महत्या का दोष है। तीसरा भाग वृक्षों को दिया, वृक्ष में जो गोंद आती है ये ब्रह्महत्या का दोष है। चौथा भाग माताओं बहनों को प्रदान किया, जो पाँच दिन सात दिन के लिए अपवित्र अवस्था, ये ब्रह्महत्या का दोष है। उसके पश्चात जब तुष्णा को पता चला कि मेरे पुत्र को देवराज इंद्र ने मार दिया, उन्होंने एक अनुष्ठान किया, उससे वृत्तासुर का प्राकट हुआ। वृत्तासुर ने युद्ध के क्षेत्र में देवताओं को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया और देवराज इंद्र भागते भागते पहुंचे महादेव की शरण में, और महादेव ने वृत्तासुर के मरने का उपाय बताया, दधीचि ऋषि की हड्डियां। और देवताओं ने जाकर के नैमिषारण्य में दधीचि से प्रार्थना किया और महर्षि ने हड्डियों का दान कर दिया परमार्थ के लिए, और उससे तीन धनुष और एक वज्र का निर्माण हुआ। गांडीव नाम का धनुष अग्नि देवता को दिया गया, सारंग नाम का धनुष भगवान नारायण ने लिया, पिनाक नाम का धनुष महादेव ने स्वीकार किया, और जो वज्र था उसे इंद्र लेकर के युद्ध के क्षेत्र में आते हैं। और वज्र को हाथ में देख करके वृत्तासुर ने अस्त्र शस्त्र नीचे छोड़ दिए, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। देवराज इंद्र ने कहा, अरे व्रत समर भूम भय बल्लभ प्राणा, डर गया,
वृद्धासुर ने कहा तू वही इंद्र है जो युद्ध के भूमि से पलायन करके चला गया है, मैं तुझसे नहीं डरता, मैं एक तपस्वी की हड्डियों का सम्मान कर रहा हूं। राक्षस होकर के वो तपस्वी की हड्डी का सम्मान करता है। दुर्भाग्य है उन लोगों का जो चेतन होकर के मानव होकर के एक तपस्वी के सामने तय तुकार करते हैं, छाती चौड़ी करते हैं। वृत्तासुर ने वहां पर अंतिम क्षण में जब देवराज इंद्र ने वज्र का प्रहार किया और अंतिम क्षण में चार श्लोकों में भगवान की जो स्तुति की, ये वृत्तासुरी भागवत के नाम से प्रसिद्ध हो गई। क्या भाव, अहम घरे तो पादैकमूल दासानुदासो भविता स्म भूय मने स्मरेता सुपते गुणा। हे नाथ, मैं आपके चरणों के जो दास हैं उनका दास, उनके दास, उनका दास, दासानुदास, पर साथ में मैं कुछ मांगता नहीं हूं। ननाक प्रश्नम न च पारमेष्टम न रसाधिपत्तम न च सार्वभौमम, मुझे यदि देना चाहते हो तो समंजसत्वाम विहरैव कांक्षे, आपके मिलने के लिए मेरे हृदय में तड़पन पैदा हो। कैसी तड़पन हो, उदाहरण दिया तीन। अजात पक्षा इव मातरम खगा, न जाता पक्षा, अभी पक्षी के छोटे बच्चे के पंख नहीं जमे हैं, घोंसले में बैठा हुआ है। जैसे शाम के समय वो चिड़िया आने का समय होता है और वो बच्चा अपनी माँ से मिलने के लिए घोंसले से चोंच निकाल करके चूचू चूचू करता है, हे नाथ आपसे मिलने के लिए मेरे हृदय में ऐसी तड़पन पैदा हो जाए। फिर विचार किया, पक्षी है, बड़ा होगा, पंख जमेंगे, उड़ जाएगा, माँ को भूल जाएगा। दूसरा उदाहरण दिया गाय और बछड़े का। नवीन ब्याई गाय, उसको जबरदस्ती चराने वाला ग्वाला लेकर के जाता है। जब शाम को गाय के आने का समय होता है, वो बछड़ा अपने मां से मिलने के लिए कूदता है, फांदता है, दौड़ता है, हे नाथ ऐसी तड़पन मेरे हृदय में पैदा हो जाए। फिर विचार किया, ये तो पशु है, बड़ा होगा, ये भी भूल जाएगा। तीसरा उदाहरण दिया, प्रियम प्रियैवा व्यसितं विकर्णम मनोरबिंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम। एक नवीन नवविवाहिता स्त्री, अभी मिलन मंडप में प्रवेश नहीं किया, एक घंटे के लिए उसके पति को बाजार जाना पड़े और वो ये कह कर के जाए एक घंटे में अभी आता हूं, हे नाथ जैसे अपने पति से मिलने के लिए उस नवविवाहिता स्त्री के हृदय में तड़पन होती है, ऐसी तड़पन आपसे मिलने के लिए मेरे हृदय में पैदा हो। भगवान तो मिलने के लिए तैयार है, पर हम भगवान से मिलना नहीं चाहते। दादू पीर न उपजी ना हम करी पुकार, या ते साई ना मिला बीती इतनी बार। ये आंखें माँ के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, सबके लिए रोई, पर इन आंखों से कभी परमात्मा के लिए आंसू नहीं निकलते ना। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बड़ी अद्भुत प्रार्थना की, भगवान के चरणों में समाहित हुए। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, नाथ इतने अद्भुत भक्त थे, भगवान ने क्यों ही देवराज इंद्र से मरवा दिया? इसका मतलब भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, दैत्यों को मारते हैं। सुखदेव ने कहा, राजन ऐसा कुछ नहीं, भगवान कभी किसी का पक्ष नहीं लेते। भगवान यदि पक्ष लेते हैं तो भक्ति का पक्ष लेते हैं। यदि भगवान देवताओं का पक्ष लेते तो बताओ प्रहलाद दैत्य था या देवता? परीक्षित जी ने कहा, प्रहलाद तो दैत्य बालक था। तो बोले, बताओ प्रहलाद की रक्षा भगवान ने करी या भगवान ने प्रहलाद को मारा? हां गुरु जी, समझ में आ गया। और इसी क्रम में जो है
नारद युधिष्ठिर संवाद के माध्यम से सप्तम स्कंध में प्रहलाद जी का मंगलमय चरित्र सुखदेव जी ने परीक्षित जी को नारद युधिष्ठिर संवाद के माध्यम से सुनाया। क्या निष्ठा थी महाराज, गिरते गिराया प्रहलाद को प्रमादियों ने, सेज सी बना दी प्रभु करुणा निधान ने, पर्वत से गिराया भगवान ने, फूलों की सेज बना दी, नागों से डसाया, नाग जब डसने के लिए गए नाग प्रहलाद जी की परिक्रमा करके वापस चले गए। क्यों? बोले हमारा मालिक शेष इसके मालिक की सेवा में रहता है, यदि हम इसको कष्ट देंगे तो अपने मालिक को जवाब क्या देंगे, परिक्रमा करके चले गए। हाथियों से कुचलाने का प्रयास किया, हाथी भी प्रहलाद जी की परिक्रमा करके वापस चले गए। क्यों? बोले इसके मालिक ने हमारे मालिक गजेंद्र की रक्षा करी, यदि हम इसको कष्ट देंगे तो अपने मालिक को जवाब क्या देंगे। सारे हथकंडे फेल हो गए, हाथ ऐसे बैठ गया। बहन आ गई होलिका, उसने कहा भाई साहब मेरे पास चुनरी है, चिता बनवाओ, मैं लेके बैठ जाऊंगी, आग लगा देना तो जल जाएगा, सांप भी मल जाएगा, राठी भी नहीं टूटेगी। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है भाई, तू समय पे आ गया। और चिता की व्यवस्था की गई, और जैसे होलिका प्रहलाद जी को लेकर के बैठती है महाराज, माचिस की आग नहीं लगाने पड़ी, उस चिता में अपने आप आग लग गई। हार जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, सोने जैसी बुआ जी जल के पल में हो गई राग। कौन सी आग लग गई? बोले जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सुई जरई। चिल्लाने लगी ब्रह्मा ब्रह्मा मुझे ठग लिया तूने। ब्रह्मा ने कहा मैंने माचिस वाली तीली के लिए कहा था, ये तो राम रोष रूपी अग्नि में जल करके राग। अंतोगत्वा प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने बुलाया और बुला करके कहा बता तेरा परमात्मा कहां है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है, जैसे मीरा से राणा ने पूछा था कि बता तेरा श्याम सुंदर कहां है, और मीरा ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया था, मारा तो श्याम राणा घट घट वासी, मारा तो श्याम राणा घट घट वासी, थारा हिवड़ा की आखा कैया फूटी रे बेवाड़ी राणा, भजना से लागे मीरा मीठी रे मुदड़ी राणा, भजना से लागे मीरा मीठी रे उदयपुर राणा, भजना से लागे मीरा मीठी रे उदयपुर राणा, भजना से लागे मीरा मीठी रे उदयपुर राणा, भजना से लागे। प्रहलाद जी ने कहा आपका प्रश्न ही गलत है, मैं बताऊं कहां है परमात्मा। बोले मोही में तो ही में ये खड़ग खंभ में, जहां देखूं तहां राम। अच्छा खंभे में? प्रहलाद जी ने कहा हां खंभे में। इतने पर महाराज उस खंभे में परमात्मा चीटी के रूप से चलने लगे कि कहीं मेरे भक्त का विश्वास टूट न जाए। गिराया गया मैं नहीं पहुंचा, हाथियों से कुचलाया मैं नहीं पहुंचा, जलाया गया मैं नहीं पहुंचा, कहीं मेरे भक्त का विश्वास न टूट जाए। तो परमात्मा चीटी के रूप में, इसीलिए कहते भगवान तुम्हारे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है, इस ओर बढ़ो इस ओर बचो ये आप ही सहारा मिलता है। और खंभे में जोर से ठोकर दी, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। और हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया,
नरसिंह भगवान का क्रोध बढ़ने लगा, प्रहलाद जी को पास में पहुंचाया। लक्ष्मी जी भी वापस हो गई, पर जब प्रहलाद जी को कहा आपको डर नहीं लगता, प्रहलाद जी ने कहा सिंह के बच्चे को सिंह से डर किस बात का, डरे तो कोई गीदड़ का बच्चा है। जैसे प्रहलाद जी से निकट पहुंचते हैं, नरसिंह भगवान गोदी में बिठा लेते हैं। मंजुल मुखार विंद चूम चूम कहे प्रभु, प्रहलाद आज प्रहलाद को प्रसाद बना दिया। इतने भक्त हुए, भगवान ने किसी को प्रसाद नहीं बनाया, एकमात्र प्रहलाद जी हैं जिनको चाट चाट करके प्रसाद बना दिया। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, अरे क्षमा करो तात मुझे देर भैया ने, कोई दम बपू को सुकुमार में तन, प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना, मुझे विलंब हो गई। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीज से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। भक्ति तो ये है जिसके सामने भगवान भी हाथ जोड़ दें, क्षमा करो तात मुझे देर भई आ। और नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को गद्दी में बिठा के और उसी आसन में विलीन हो गए। पहले राजा के आसन का नाम था नृपासन, जब से नरसिंह भगवान विलीन हुए तब से उसका नाम सिंहासन पड़ गया। सिंह की आकृति बना दी गई। सिंहासन में क्यों विलीन हुए, इसलिए कि गद्दी के पीछे झगड़ा होता है। प्रहलाद जी के और भी भाई थे, कहीं ऐसा ना हो कि और भाई प्रहलाद जी को फिर सताने लगे। तो नरसिंह कहीं गया नहीं है, इसी सिंहासन में है, कभी भी प्रकट हो सकता है। ये भय पैदा करने के लिए भगवान वहीं समाहित हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करी। प्रहलाद जी के द्वारा वर्ण आश्रम धर्म आदि की बड़ी अद्भुत चर्चा। इस पावन चरित्र को जो श्रवण करता है उसके सारे कर्म के बंधन मुक्त हो जाते हैं और भगवान के चरणों में उसकी प्रीति होती है। और अष्टम स्कंध के पावन क्रम में आप श्रवण करेंगे गजेंद्र मोक्ष आदि की कथा। कौन है ये गृहस्थी का जो मुखिया होता ना, मालिक जो कहता मैं, यही गजेंद्र है। परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में भूल जाता है कौन भगवान, किसका भगवान, कैसा भगवान, कहाँ वंश भगवान, कहाँ संत, कहाँ ब्राह्मण, सब भूल जाता है। कहता खाओ पियो करो आनंद, लेखा करी है परमानंद। तो ऐसी स्थिति में फिर महाराज वो विपत्ति रूपी ग्राह आ जाती है। जब विपत्ति चारों तरफ से घेर लेती है और महाराज ग्राह जब खींच करके यहां तक नाक कान डूबन लागे। पहले तो परिवार वालों ने प्रयास किया, डॉक्टर को बुलाया, सब कुछ किया, पर जब देखे कि ये तो जा रहा है, अब हम क्यों जाएं? संग सखा सब तज गए कोई न निभयो साथ, कहनानक या विपत्ति में एक टेक रघुना, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, 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 अपबल तपबल और बाहुबल, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दान, चौथो बल है दान, सूर किशोर कृपा ते मरनत, सूर किशोर के पाते, ऑपरेशन थिएटर के पांव बाहर तक मनी पावर चलता है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर मेन पावर चलता है। सुने पर भगवान को पुकारा और भाए आधे नाम, भगवान तो आने को तैयार हैं, हम पुकारते कहां। गजेंद्र ने पुकारा,
थाए आधे नाम। लक्ष्मी जी पूछ रही थी कहाँ जा रहे हो, भगवान बताना चाह रहे थे कि हाथी के पास। हा का उच्चारण किया और जब तक थी का उच्चारण किया तो गजेंद्र के पास में आ गए। आज गरुण की गति भी फीकी पड़ गई भगवान, और ग्राहक विपाटित मुखा दरिना गजेंद्र। सबसे पहले उस ग्राहक का उद्धार किया क्योंकि उसने एक भक्त के चरण का आश्रय लिया था और गजेंद्र की रक्षा करी। अगले क्रम में भगवान ने देवता और दैत्यों की संधि कराई, अही मूसक यु और समुद्र मंथन का शुभारंभ किया और उसमें हलाहल विष निकला। महादेव ने उसका पान किया संसार के हित के लिए। फिर उसमें रत्न निकले 14, उनका विभाजन आदि किया। उसी में भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। बोलिए मोहिनी भगवान की जय, धनवंतरी भगवान की जय। अमृत निकलते अहम पूर्वम छीना झपटी हो गई। मोहिनी भगवान ने उसका विभाजन किया, देवताओं को अमृत और दैत्यों को मदिरा। राहु जो है बड़ा होशियार था, उसने सोचा इस पंक्ति में बढ़िया बढ़िया है, छुपके बैठ गया। पर छुपा भी जहां दो सर्च लाइट लगी हुई थी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में छुपा। छुपता अंधेरे में तो बच जाता, दो दो लाइट के बीच में छुपा। पर भगवान पंक्ति भेद नहीं करते, भगवान पिला तो गए परंतु जब उंगली उठाई गई कि ये दैत्य है, भगवान ने चक्र से गला काट दिया, उनको नवग्रह में सम्मिलित कर दिया गया। इस प्रकार से भगवान ने देवताओं को अमृत और दैत्यों को मजरा पान कराया और उसी क्रम में भगवान ने कहा अब मारो इनको, दैत्यों को अब मारो, क्योंकि एक तो थके हुए हैं, दूसरा मजरा पान किए हुए हैं। और देवताओं ने मार मार के दैत्यों को पाट दिया पूरी पृथ्वी। तब शुक्राचार्य जी ने विचार किया, जब चेला ही नहीं रहेगा तो गद्दी किस बात की, जब चेला ही नहीं होगा तो गुरु किस बात के। इसलिए शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्यों के ऊपर कृपा करी और मृत संजीवनी विद्या के द्वारा, मृत संजीवनी विद्या के द्वारा, और उन्होंने राजा बलि को जीवित किया और ठोक करके, क्योंकि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, ठोक करके महाराज व्यवस्थित कर दिया और राजा बलि ने तीनों लोकों में अपना आधिपत्य जमा लिया गुरु की कृपा से। देवराज इंद्र के पद पर बैठ गया, पर उस पद को कन्फर्म करने के लिए अभी वेटिंग में था, कन्फर्म करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, 99 पूरे हुए। इधर महाराज देवराज इंद्र की मां घबराई, कश्यप जी से कहा नाथ आपको दया नहीं आती, मेरा बेटा दर दर भटक रहा है, आप कुछ उपाय तो करो, कृपा तो करो। तो कश्यप जी ने पयोव्रत बताया और पयोव्रत के प्रभाव से भगवान वामन का प्राकट हुआ। बोलिए वामन भगवान की है। और वामन भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ, अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। राजा बलि की यज्ञशाला में भगवान वामन पहुंचते हैं। इधर राजा बलि आज 99 यज्ञ पूरे हो चुके थे, 100 यज्ञ करने जा रहे थे, मुक्त हस्त से दान कर रहे थे, उसी क्रम में पहुंचे। शुक्राचार्य जी ने मना किया, राजा बलि नहीं माने। जैसे संकल्प किया महाराज तो पानी टोटी में शुक्राचार्य जी बैठ गए। भगवान ने कहा राजा बलि लगता है तुम्हारे लोटे में कोई कचड़ा फंस गया। अपने आसन से एक सीख निकाली कुशा का और उसमें ऐसे दिया, शुक्राचार्य जी की एक दुकान बंद हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए जो सत्कार के लिए, पुण्य के लिए, दान के लिए किसी को मना करता है उसकी यही गति होती है महाराज, जैसे शुक्राचार्य की हुई। इसलिए कभी भी किसी को सत्कर्म के लिए मना नहीं करना चाहिए। भगवान वामन से विराट हुए, एक पैर में नीचे के 7 लोग, दूसरे पैर में ऊपर के 7 लोग, तीसरे पैर के लिए कहा राजा बलि बता कहां रखूं, तूने 3 पैर का संकल्प किया था। राजा बलि ने कहा नाथ 2 पैर से मेरी संपत्ति नाप ली, अब इस मालिक को भी तो नाप लो। तीसरा पैर भगवान ने राजा बलि के माथे पर पधरा दिया। क्यों? वस्तु समर्पण से। आपने कोई वस्तु आश्रम में दान की तो ममता तो चली गई, महाराज जी की हो गई।
पर उसके प्रति अहमता जागृत होती, मैंने दिया, हमने दिया। बार बार कहते हैं ये वाली एसी हमने दी, ये वाला गीजर हमने दिया, ये फ्रिज हमने दिया। ममता तो जाती है पर अहमता आ जाती है। पर राजा बलि ने ममता का भी परित्याग किया, वस्तु दान कर दी और अपने आप को भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, इसलिए अहमता भी चली गई। और जीवन में जब तक अहमता और ममता दोनों का परित्याग नहीं होता तब तक समता नहीं आती, और जब तक समता नहीं आती तब तक समदर्शी परमात्मा की कृपा नहीं होती। राजा बलि को भगवान ने गरुड़ जी के द्वारा बंधवा लिया। इधर महाराज सुतल लोक में बामन दरवाजे की हवेली का निर्माण करा दिया विश्वकर्मा जी के द्वारा। और अब नाथ मैंने तीनों लोगों की संपत्ति दान कर दी, और दान की वस्तु में कभी अधिकार नहीं होता, और आपको पाने के बाद अब क्या चाहिए नाथ? अब तो जी करता है कि मैं जब भी जिधर निकलूं उधर आपका दर्शन। बामन दरवाजे की हवेली में राजा बलि ने भगवान को द्वारपाल बना लिया। तब लक्ष्मी जी को नारद जी ने बताया, लक्ष्मी जी रक्षाबंधन के दिन गई, राजा बलि को राखी बांधी। तब से मंत्र प्रचलित हो गया, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन स्वाम प्रतिपदनामी रक्षे माचल माच। राजा बलि ने कहा बहन बता क्या दे दूं? लक्ष्मी जी ने कहा भाई वो दरवाजे का द्वारपाल दे दो। राजा बलि ने कहा बहन क्या मांगती हो? लक्ष्मी जी ने कहा भाई वो जो है ना वो मेरे प्राणनाथ। राखी बंधन में दक्षिणा के रूप में लक्ष्मी जी भगवान को वहां से मुक्त करके लेकर के चली। पर भगवान ने राजा बलि की ओर देखते हुए कहा देख राजा बलि मैं जा तो रहा हूं परंतु भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगा। इसलिए उस एकादशी का नाम परिवर्तनीय एकादशी है, और द्वादशी को भगवान का जल विहार होता है। जल विहार का भाव यह है भगवान तो चले गए अब वापस कैसे लाना है, तो वापस लाने के लिए जल विहार करते हैं, प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ, रास है हमारा। इस प्रकार से भगवान ने देवताओं के कार्य को संपन्न किया, राजा बलि को नीचे भेजा। इसलिए तब से कहावत हो गई आपन चेती ना चले हर चेती तत्काल।